फूलता है बिहार, दोनों मिलकर के खाएं। जातिवाद गुंडई यहां से खत्म हो रही भाई, जातिवाद गुंडई यहां से खत्म हो रही भाई, इसकी जड़ें जमा। गुड़गतनी समाचार बटुए गया से रिपोर्टर बानी रमेश कुमार जी। हास्य कवि सम्मेलन में कवि दर्शक के हंसा हंसा के लोटपोट कर दिहलन। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार, उ हास्य कविता भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो बेल आइकन के बटन दबा के सब्सक्राइब कर ली, फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो कर ली, देखला के बाद शेयर जरूर करी ताकि सबसे पहले खबर के नोटिफिकेशन रौरा मिलत रहे। यह तनाव भरा जिंदगी में हास्य कवि सम्मेलन क के वो अनूठा काम कर गई बटुए, जहाँ जितना लोग रहे हंसत हंसत लोटपोट हो गई। मगध के संस्कृति राजधानी गया में हास्य कवि सम्मेलन में प्रयागराज, पुणे, बनारस, जमशेदपुर से आयल कई गो विख्यात कवि अपन शब्द से जलवा बिखेर ले। इ कार्यक्रम सुर सलीला न्यास गया जी बैनर के द्वारा आयोजित कल गए रहे। यह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कामेश्वर नाथ सिंह कुलपति केंद्रीय विश्वविद्यालय गया दीप प्रज्वलित क के कैनी। बनारस से आयल हास्य कवि दमदार बनारसी निधि गुप्ता कशिश, पुणे से अंकित सिन्हा जमशेदपुर, अखिलेश द्विवेदी प्रयागराज से आयल, सब अतिथि के पुष्पगुच्छ अंग वस्त्र मोमेंटो दे के सम्मानित कल गए। गया जी के पवन मोक्ष नगरी में सुर सलील न्यास एक से बढ़ के एक कार्यक्रम आयोजित करत रहेला। हास्य कवि गया जी में आयोजन सुर सलीला गया जी, भारत विकास परिषद, दक्षिण बिहार मगध प्रांतीय, दिल्ली पब्लिक स्कूल गया, डालमिया बाजार के द्वारा बढ़ चढ़ के सहयोग देवे के काम कल गए। यह कार्यक्रम में एक से बढ़ के एक हास्य कवि के कलाकार बनारस, पुणे, प्रयागराज, जमशेदपुर से पहुँचल है। इस सब कलाकार अपना शब्द से लोग के हंसावत रह। यह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह कुलपति केंद्रीय विश्वविद्यालय मगध गया जी के पावन धरती धरा पे विगत कई वर्ष से संचालित सांस्कृतिक संस्थान सुर सलील गया जी के गठन न्यास स्वरूप कल गए। संस्थान के सब न्यास संरक्षण पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्यगण यह सब लोग के विशिष्ट यादगार पल बाणे। यह प्रतिफल के उत्सव स्वरूप मनावे खातिर ई पहल संस्थान महापरिवार कैले बा। यह आयोजन में विशेष भूमिका भारत विकास परिषद, दक्षिण बिहार मगध प्रांत, दिल्ली पब्लिक स्कूल गया, डालमिया बाजार आ न्यास के पदाधिकारी गण के रहल। कार्यक्रम स्थल सिजुआर स्मृति भवन मंगला गौरी मार्ग चंद्र चौरा के सभा प्रांगण में भव्य हास्य कवि संगोष्ठी के आयोजन भई। गया नगर निगम महापौर गणेश पासवान, सशक्त समिति सदस्य मोहन श्रीवास्तव, डॉक्टर नंदन किशोर गुप्ता, हरीश्वर सिंह तमाम लोग रहे। फिल्म 100 लोगों को भी बटोर नहीं पाती, कभी कभी औधे मुंह गिर जाती है। हमारे पास तो सर कुछ भी नहीं है और ना ही इतने बजट में हम आते हैं, फिर भी आपके साथ लगभग 2.5 घंटे से चल रहे हैं बिना किसी साज संगीत के, और आप सुन रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, इससे बड़ी खुशकिस्मती और हमारे लिए क्या हो सकती है। नहीं, वो तो आपका आशीर्वाद है और हमेशा आशीर्वाद हमें। सर पता है हमें लिफाफे तो है, आचार्य जी ने जनवरी का न्योता भी दे दिया है, उसमें भी आपको खूब सुनाने का मौका मिलेगा। मैं एक गजल के 2-3 शेर, ये प्रेम पे पढ़ रही थी। प्रेम आजकल पूरी तरह से व्यापार बन गया है, पूरी तरह से सिर्फ वासना का पर्याय बनकर रह गया है। लेकिन सर अभी भी हम उस हिंदुस्तान के लोग हैं, जब किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम हमारा इतना पवित्र हो जाता है कि कभी दशरथ माझी के रूप में दिखाई देता है, जो बिहार में जिसने प्रेम में पूरा का पूरा पहाड़ काट करके रास्ता निकाल दिया। आप सोचिए, प्रेम प्रेम की तरह करते हैं हम। मैंने 4 पंक्तियां प्रेम पर लिखने की कोशिश की है, और आपको अगर लगे कि आपका आपके मन में आपका प्रेम भी वैसा ही पवित्र है, तब आप मेरा समर्थन कीजिएगा। मैंने कहा, खता सरगोशियां मिलने की तड़पन देख लेता हूं, खता सरगोशियां मिलने की तड़पन देख लेता हूं, निगाहे खुल्द में खुद का ही दर्पण देख लेता हूं। जरूरी है नहीं कि प्यार को बिस्तर पे ले जाऊं, मैं उसकी आंख में पूरा समर्पण देख लेता हूं। जरूरी है नहीं कि प्यार को बिस्तर पे ले जाऊं। बहुत प्रणाम करता हूं साहब, अपना कोई ठिकाना नहीं है, न जाने कब चली जाए खुशी का क्या भरोसा है, न जाने कब चली जाए
खुशी का क्या भरोसा है, निभाए साथ मुश्किल में किसी का क्या भरोसा है, चलो एक दूसरे से दूर हम शिकवे गिले कर लें, हमारी इस जरा सी जिंदगी का क्या भरोसा, चलो एक दूसरे से दूर हम शिकवे गिले कर लें। गजल का मतला देता हूं, आप समाप्त फरमाइएगा सुनिएगा। तुम कहते हो कि गलती से गलती की, मैं मुशायरे में बहुत जाता हूं। है, है। चाचा कहते सुनो भतीजा आओ हिल मिल जाएं, फलता फूलता है बिहार दोनों मिल कर के खाएं, जातिवाद गुंडई यहां से खत्म हो रही भाई, जातिवाद गुंडई यहां से खत्म हो रही भाई, इसकी जड़े जमाएं बीजेपी को चलो भगाएं, क्यों, क्योंकि इसी से प्रतिष्ठा है लालू महान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। क्या बात है भाई, जय हो जनता, बहुत अच्छे, वाह, जय हो हिंदुस्तान की। ये है आपकी जी, ये प्रदेश है सर। अब इस प्रदेश में एक मुख्यमंत्री ऐसे हुए जो अपनी जेल जाने के पहले अपनी अंगूठा टेक पत्नी को मुख्यमंत्री बना देते हैं सर, जो 3 महीना तक अपना नाम राबड़ी देवी लिखना सीखने में गुजार देती हैं, इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता, मगर इस समय दो के दोनों खाली हैं। तब पत्नी अपने पति से कहती है, मैं भी हो गई खाली साजन, तुम भी खाली खाली। मैं भी हो गई खाली साजन, तुम भी खाली खाली, अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी ना मिलने वाली। वाह। मैं भी हो गई खाली साजन, तुम भी खाली खाली, अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी ना मिलने वाली, तो चरागा हमें आओ मिलकर गैया भैंस चराएं, चरागा हमें आओ मिलकर गैया भैंस चराएं, गोबर पाथे दूध पिए अपना पर को फिकर है, किसको फिकर है पटना सिवान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। बहुत जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। बस इतना बहुत है सर, और ज़्यादा इनके बारे में पढ़ना नहीं चाहिए, हमारा प्रदेश होता तो पढ़ता, यहाँ थोड़ा थोड़ा तो डर है ही है। मगर देखिए ये सर, ये हम सूर्य सरीड़ा की ओर से एक और भारत विकास परिषद के संयुक्त तत्वावधान में ये हास्य कवि सम्मेलन की संगोष्ठी रखी गई थी, जो काफ़ी सराहनीय रहा, जिसमें प्रयागराज से अखिलेश द्विवेदी जी आए और दमदार जी आए, दमदार जी आए वाराणसी से, और निधि जी आए पुणे से, और एक जमशेदपुर के हास्य कवित्री आए अंकिता जी। काफ़ी यह शाम बहुत रंगीन रहा, शहरवासियों ने बहुत आनंद लिया इस शाम को, और इस तरह का कार्यक्रम, संगीत के कार्यक्रम के साथ साथ सुर सरीला का इस तरह का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा, लोगों ने काफ़ी सराहा और लोग हंसी से लोटपोट रहे 3 घंटे के लिए। ये शाम बहुत अच्छा रहा, और भविष्य में भी इस तरह का कार्यक्रम हम लोग संचालित करते रहेंगे, ताकि लोगों को जीवन में कुछ अच्छे पल आएँ, खुशी से हंसी के साथ कुछ समय बीते। इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर नंदकिशोर गुप्ता, सदस्य सुर सरीला एवं भारत विकास परिषद। बेहद ही खूबसूरत प्रोग्राम शाम को यहाँ आयोजित किया गया, जिसमें कि हास्य व्यंग के साथ काफ़ी सीरियस मुद्दों पर भी चर्चा हुई, और इसमें दक्षिण मगध बिहार प्रांत भारत विकास परिषद ने एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट किया। मेरी दक्षिण मगध बिहार प्रांत मगध भारत विकास परिषद की तरफ से सुर सरीला न्यास गया को बहुत बहुत बधाई, जो उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम को किया, खास करके शिंजुआर जी जो इस तरह के प्रोग्राम को रेगुलर तौर पे करते रहते हैं, और इस संस्था के साथ जुड़ने के लिए मुकेश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस संस्था को वो अच्छे ढंग से संचालित कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोग्राम अक्सर होते रहने चाहिए, ताकि लोगों को एक माहौल मिल सके जहाँ कि हम लोग एक अच्छे मुद्दे पर चर्चा कर सके, हास्य व्यंग कर सके, ताकि लोगों का जो जीवन बोझिल हो चुका है उसमें एक सुख का संचार हो। धन्यवाद। परिचय दे दीजिए अपना। डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह, गया
मैं भारत विकास परिषद दक्षिण मगध बिहार प्रांत का अध्यक्ष हूँ।